Hi students, welcome to my channel Pani Coaching Center of English Gaya. Today I am going to discuss active passive verbs. आज मैं आपके समक्ष active passive verbs की चर्चा करने जा रहा हूं. The verb showing the action done by the subject is active. वह क्रिया जो सब्जेक्ट के द्वारा होने वाले कार्य को दिखाता उसे हम एक्टिव कहते हैं. एंड द वन शोइंग द एक्शन डन टू द सब्जेक्ट इज पैसिव. और वह क्रिया जो सब्जेक्ट पर होने वाले काम को दिखाए उसे पैसिव कहते हैं. सब्जेक्ट के द्वारा जो काम हो वो एक्टिव वर्ब और सब्जेक्ट पर जो होता हुआ कार्य दिखाए उस क्रिया को हम पैसिव कहते हैं. किसी सब्जेक्ट वर्ब क्रिया की दिशा सब्जेक्ट से वर्ब की ओर जा रही है, अर्थात ये कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, हेंस इट इज एक्टिव. एक्टिव क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब के साथ या बिना ऑक्सिलरी वर्ब के एक्शन वर्ब के किसी भी रूप में आ सकता है. दो जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में किसी ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता नहीं होती. सब्जेक्ट प्लस वर्ब जब एक्शन की दिशा सब्जेक्ट की ओर हो, अर्थात जब एक्शन सब्जेक्ट पर हो रहा हो, तो वह क्रिया पैसिव होगी. पैसिव क्रिया हमेशा वर्ब टू बी के साथ मेन वर्ब थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल होगी. आपका वर्ब टू बी इज एम आर वॉज वर बी बीइंग और बीन होता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखें आप, राजन इट्स ब्रेड, यहां रोटी खाने का काम राजन के द्वारा हो रहा, अतः इट्स क्रिया एक्टिव है. अब इसी को हम चेंज करें पैसिव में, ब्रेड इज ईटन बाय राजन, रोटी पर खाने का काम हो रहा है राजन के द्वारा. सोना हैज डन इट, सोना ने इसे किया है, अर्थात यह काम सोना के द्वारा हुआ है. इसके पैसिव को देखें, इट हैज बीन डन, यह होने का काम उस कार्य पर हुआ है बाय सोना, यह पैसिव है. शी कॉल्ड द बॉय इन, उसने लड़के को अंदर बुलाया, बुलाने का काम शी सब्जेक्ट ने किया, अतः यह एक्टिव है. द बॉय वॉज कॉल्ड इन बाय हर, लड़के पर बुलाए जाने का काम हुआ, लड़का को उसके द्वारा अंदर बुलाया गया, यह पैसिव है. स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम विल शो हाउ the active voice sentence can be changed into passive. इस डायग्राम से हम भली भांति समझ सकते हैं कि एक्टिव में दिए गए सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं. You see, in the active sentence we have subject plus verb plus object plus other words. Other words में adverbs आते हैं, हो सकता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, अर्थात एमपीटी हो. जैसे ही पैसिव में आप इसे चेंज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, वर्ब पैसिव फॉर्म में चलाएगा यानी वर्ब टू बी प्लस मेन वर्ब थ्री के रूप में. अदर वर्ड्स ठीक पैसिव वर्ब के बाद लाएंगे और सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो पैसिव वॉइस में जनरली बाय के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है. इसे हम पैसिव एजेंट भी कहते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, यदि पैसिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब थ्री पास्ट पार्टिसिपल के पहले चला जाता है. यदि पैसिव में वर्ब टू बी बी बीइंग बीन आपको मिलता हो तो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर इन क्रियाओं के पहले चला जाता है. प्लेस अपने ही जगह पर मौजूद रहेगा पैसिव वर्ब के बाद. टाइम को आप चाहें तो सबसे अंत में ले जा सकते हैं. बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट या एजेंट को हम कब नहीं देंगे उसके लिए मैंने आपको बतलाया दिखलाया है. यदि आपका पैसिव ऑब्जेक्ट को इंडेफिनिट पर्सन हो, समवन हो, इंडेफिनिट हो, पीपल हो, दे हो, वेल नोन पर्सन हो जो अपने पैसे का काम करता हो, जैसे पुलिस अरेस्ट करने का काम करती हो, डॉक्टर इलाज करने का काम करता हो, या क्लियर हो किसी भी केस से, तो वैसी स्थिति में बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती. इन सम केसेस, कुछ केसेस में पैसिव
object takes to with at in place of by. कुछ केसेस में पैसिव क्रियाओं के साथ by का प्रयोग नहीं होता, उसके स्थान पर आपको to, with, at, in लेना पड़ता है. Now let us have some examples to show how we can change an active sentence into a passive one. First example, I have done my work properly. The passive. My work has properly been done. Students, यहाँ case possessive my से स्पष्ट हो जा रहा है कि काम I के द्वारा हुआ है. अतः my work has properly been done के बाद by me की जरूरत नहीं होगी. Adverb of manner properly है और passive क्रिया में be, been, been में से एक verb been आ रहा है, अतः adverb of manner का स्थान been के पहले हुआ. यदि आप by me यहां लगाना चाहते हैं तो my को हटाकर the कर ले, तब आपका passive sentence होगा the work has properly been done by me. Come to the next example. She did it carefully yesterday. Its passive is it was carefully done. यहाँ passive verb main verb 3 के पहले be, been, been में से कोई नहीं है, अतः adverb of manner का स्थान main verb 3 के पहले हुआ. It was carefully done yesterday by her. आप time yesterday को last में ले जा सकते हैं और कह सकते हैं it was carefully done by her yesterday. नेक्स्ट एग्जाम्पल, समवन स्टैब्ड हिम टू डेथ. यहाँ एक्टिव सब्जेक्ट समवन एक इंडेफिनिट पर्सन है, अतः पैसिव में बाय समवन देने की आवश्यकता नहीं होती. हेंस द पैसिव इज ही वाज स्टैब्ड टू डेथ. स्टूडेंट, यदि यहाँ आप बाय समवन डाल देते हैं तो ये सेंटेंस गलत होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोना इज टीचिंग सम बॉयज इन द रूम. द पैसिव इज सम बॉयज आर बीइंग टॉट इन द रूम by Mona. Adverb of place in the room cannot be replaced from its original place. It must be इसका स्थान निश्चित रूप से पैसिव क्रिया के बाद ही होना चाहिए. कुछ और examples देखें students. Active, I pleased her. It's passive. She was pleased with me. पैसिव क्रिया pleased by की जगह पर with लेता है. इससे रिलेटेड जितने भी verbs होंगे, please, displeased, satisfied, dissatisfied, इन सभी के साथ passive agent दिखाने के लिए हम with का प्रयोग करेंगे. Rani has married Rajan. Passive होगा Rajan has been married to Rani. Passive क्रिया married, passive क्रिया known, by की जगह पर agent दिखाने के लिए to लेगा. Social work interests. Sorry, you often surprise me. Passive, I am often surprised at you. Surprise, जैसी जितनी भी क्रियाएं होंगी, astonished, wondered, amazed, ये सभी एजेंट दिखाने के लिए by के स्थान पर at लेगा. Often एक mid position verb है, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की है, ये mid position पर रहेगा passive क्रिया main verb 3 के ठीक पहले. So you often surprise me, passive होगा I am often surprised at you. Social work interest me, interest her. Passive, she is interested in social work. जैसे surprised by के स्थान पर at लेता है, ठीक उसी तरह से interested passive में और consistent passive में by के स्थान पर in लेता है. The police arrested him. Arrest करने का काम पुलिस का ही है, अतः by plus agent के रूप में by the police की आवश्यकता नहीं है. Hence the passive is he was arrested. The doctor examined the patient. By patient को examine करने का काम doctor ही करेंगे. So passive में by the doctor की आवश्यकता नहीं होगी. The passive is the patient was examined. इस तरह से आप students बड़े ध्यान से और बड़ी आसानी से active वॉयस को पैसिव वॉयस में चेंज कर सकते हैं. आपको टेंस फॉर्म को ध्यान में रखना है. इज एम आर वॉज वर बी बीन के साथ मेन वर्ब 3 करके आप उस एक्टिव वॉयस की क्रिया को पैसिव वॉयस में चेंज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट देंगे, अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे. आप में से जो भी व्यूअर या स्टूडेंट
इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लेंगे ताकि उन्हें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।